नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर। अग्रणी समाज महानगर कानपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ सामूहिक विवाह का महायज्ञ 2018 का शुभारंभ दैनिक मंत्रों से 51 ब्राह्मणों द्वारा सखदान कर सामूहिक विवाह किया गया, जिसमें 57 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जय सिंह जैकिवी और माँ सती महाना जी महापौर विधायक मौजूद रहे। अरुण जाफरी, जिला संवाददाता कानपुर। पूरे भारतवर्ष से लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। ये गर्व की बात है वैश्य समाज के लिए। और मैंने देखा है कि कई अवसरों पर सर्व जाति से 51 जोड़ा शादी करना संभव नहीं हो पाता, किंतु आज अग्रणी समाज के लिए गौरव की बात है कि 63 जोड़े थे, केवल अग्रणियों की शादी यहाँ पर हो रही है। और इन आयोजकों को कानपुर के नगर के अध्यक्ष महामंत्री या जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। और पिछले 2 वर्ष भी पहले 37 जोड़ों का इन लोगों ने शादी किया था, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आशा करता हूँ कि अगले आने वाले दिनों में 101 जोड़ा हमारे कानपुर नगर के लोगों ने शादी कर करके और एक इतिहास कायम करके सामूहिक विवाह हो रहा है। और पूरे भारतवर्ष से लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। ये गर्व की बात है वैश्य समाज के लिए। और मैंने देखा है कि कई अवसरों पर सर्व जाति से 51 जोड़ा शादी करना संभव नहीं हो पाता, किंतु आज अग्रणी समाज के लिए गौरव की बात है कि 63 जोड़े थे, केवल अग्रणियों की शादी यहाँ पर हो रही है। और इन आयोजकों को कानपुर के नगर के अध्यक्ष महामंत्री या जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। और पिछले 2 वर्ष भी पहले 37 जोड़ों का इन लोगों ने शादी किया था, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आशा करता हूँ कि अगले आने वाले दिनों में 101 जोड़ा हमारे कानपुर नगर के लोगों ने शादी कर करके शादी का है 63 जोड़ों का, जो हमारे भारत में अग्रणियों का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह है। और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के आसपास एक बच्चा कानपुर के आसपास है। और सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे अध्यक्ष श्री उसके बाबा किया है और समाज को नई दिशा दी है। इतने बड़े कारोबारी होते हुए भी इस सामूहिक में अपने बच्चे की शादी करके मेरे पास, और जो उन्होंने नया मिसाल पेश किया उसके लिए हम पूरे इसी तरह अभी सामूहिक शादी के अवसरों के माध्यम से अगर जो बड़ा प्रकोप है, जिसके द्वारा मैं समझता हूँ गरीब से गरीब आदमी और ऐसे भी परिवार है बच्चे को दहेज के कारण उनकी शादियाँ बहुत अच्छे से नहीं कर पाती है। ये एक ऐसा समागम है जहाँ मैं देखता हूँ कि चाहे मुंबई हो चाहे कलकत्ता हो, देश के तमाम प्रदेशों से लोग आए इसके माध्यम से शादी समारोह को होगा ही। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे रिश्ते हैं, परिचय हैं, तमाम सारी चीज़ें इस तरह के समागम आयोजक उन सभी आयोजकों में हृदय से मन करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ। हे ईश्वर, इन्हें इतनी शक्ति प्रदान कर ताकि भविष्य में और अधिक बड़ा कार्य कर सके, हमारे कानपुर का गौरव बढ़े और पूरे देश के अंदर अग्रणी समाज के लिए काम करना। इसलिए